आजीवन कारावास की सजा और 1,00,000 जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। अवधेश रॉय हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार कर दिया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत द्वारा 3 अगस्त 1991 को हुए अवधेश रॉय हत्याकांड में आज फैसला सुनाया गया है। मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश रॉय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, उसकी बेचैनी बढ़ गई, उसके चेहरे पर तनाव देखने को मिला। टेंशन के चलते उसने अपना माथा पकड़ लिया। आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1,00,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, राकेश न्यायिक समेत कुल 6 लोग आरोपी बनाए गए थे। वहीं इस मामले में मृतक अवधेश राय के छोटे भाई अजय राय मुख्य गवाह हैं। इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1,00,000 जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश रॉय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। अब उसके खिलाफ क्या रास्ते हैं उनके लिए, बताओ कि क्या रास्ते हैं? अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा। छह महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास कहते हैं वो सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं, देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है। देखिए 1,00,000 जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपए जुर्माना लगा है। अवधेश राय पूर्व मंत्री और पिंडरा के कई बार विधायक रहे और अब कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई हैं। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। सुबह का वक्त था, एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से पूरा पूर्वांचल सहम उठा था। पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया था। साथ ही विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश नाइक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इनमें से कमलेश और अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की तरफ से 41 पन्नों की लिखित बहस दाखिल की गई है, जबकि पीड़ित परिवार और वादी मुकदमा अजय राय की तरफ से 36 पेज की लिखित बहस और 12 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने 5 जून को अपना फैसला सुनाया है। हत्या जैसे मामले में फोटो स्टेट पत्रावली के आधार पर सुनवाई का संभवतः यह पहला प्रकरण है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट तक गया, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत यहीं की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 5 जून को फैसला सुनाया। वहीं फैसले के बाद पुलिस की नजर मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों पर है। मुख्तार अंसारी गैंग के हर सदस्य की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि सर्विलांस और मुखबिरी के जरिए मुख्तार से जुड़े लोगों पर पुलिस ने नजर बनाई हुई है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, मगर मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे बड़ा और अहम केस अवधेश रॉय हत्याकांड है। अब इस केस में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 31 साल बाद अवधेश राय को न्याय दिलाया है।